Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. फिल्म कलंक जो कि 17 अप्रैल को दोस्तों आप सभी के सामने रिलीज़ की जानी है, वहीं इस फिल्म के आप सभी के सामने पहले भी दो गाने आ चुके हैं, जिस गाने के अंदर आपने देखा होगा घर मोरे परदेसिया भी एक गाना था, वहीं आलिया भट्ट उस गाने के अंदर बहुत ही शानदार नज़र आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सभी को बता दें इस फिल्म के अंदर आप सभी को एक पीरियडिक ड्रामा देखने को मिलेगा और उस तरीके के ही गाने भी इस फिल्म के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का एक और गाना अभी आज रिलीज़ किया जाना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक आज रिलीज़ किया जाने वाला है। 12 बजे से इस फिल्म के इस गाने के रिलीज़ का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये गाना आप सभी के सामने 1 से 2 बजे के बीच तक सामने सभी के आ जाएगा और सभी प्लेटफॉर्म पर भी इस गाने को रिलीज़ कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, पिछले गानों ने जो कलंक मूवी के अभी तक रिलीज़ किए जा चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना दिखाया है सोशल मीडिया पर। और साथ ही आपको अगर जानकारी दें तो बता दें कि इसका ये जो टाइटल ट्रैक अब रिलीज़ किया जाने वाला है उसके बोल होने वाले हैं कलंक नहीं इश्क है काजल। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह के बोल इस टाइटल ट्रैक में आपको सुनने को मिलेंगे। साथ ही आपको हम बता देते हैं इस फिल्म का ये गाना किसने गाया है। दरअसल हमेशा से ही रोमांटिक गानों को बहुत ही बखूबी गाते हुए नज़र आते अरिजीत सिंह ने इस गाने को भी आवाज़ दी है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को आवाज़ अरिजीत सिंह ने दी है जो कि बहुत ही शानदार सुनाई दे रही है। और साथ ही आपको बता दें इस फिल्म का ये गाना जिसने बनाया है वो है प्रीतम। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम आपने काफ़ी पहले भी सुना होगा, प्रीतम जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र हैं, उन्होंने भी इस गाने को तैयार किया है और अरिजीत सिंह के आवाज़ के साथ इस गाने में 4 चांद लग चुके हैं। तो दोस्तों अब इसका रिस्पांस देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही आपको इस गाने का कितना इंतज़ार है तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पर सबसे पहले। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स।